सुशांत सिंह राजपूत सर, सुशांत ऊपर आजा, आजा आजा। आ जाओ आ जाओ। हेलो हेलो। फिर बोल क्या है, क्या नाम? क्या इसका? ये सुशांत सिंह राजपूत है। अबे नाम है कि पूरा एड्रेस है? नाम है सर। नाम है क्या? ये सुश, सुश प्रोनाउंस नहीं किया जाता मुझसे तो। सर सुशी कह दीजिए, शॉर्ट फॉर्म है। एक्चुअली यहाँ सुश भी है, शांत भी है, ये क्या बातचीत करेगा? वैसे सर लोग कहते हैं कि ऑलराउंडर है, बैटिंग करता है, बॉलिंग करता है, पतंग भी उड़ाता है, और एक्टिंग के साथ साथ सुना है थोड़ा डांस वांस भी अच्छा कर लेता है। लेकिन सर ऐसा लोग कहते हैं। अरे इसी के घर के दो चार लोग कहते होंगे। जा रहा है उस बात पे जरा ध्यान दीजिएगा कि शाहरुख खान जैसे हिचड़े को सुशांत सर जैसे टैलेंटेड इंसान का बार बार नाम याद दिलाना पड़ रहा है। डांस की बात हो रही थी। हाँ सर। तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि शाहिद से बड़े डांस करो, तुम्हारे सामने डांस की बात कोई कर सकता है यार? सर आप भी नहीं, 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 बिल्कुल नहीं यार, तुम हम्बल मत बनो यार। तुम बताओ इसको कि बॉस कौन है डांसिंग का? नहीं नहीं सर, मैं आपके सामने नहीं डांस। नहीं नहीं, यू हैव टू डांस एंड शो एवरीवन। नहीं नहीं सर, मैं नहीं कर पाऊंगा सर। अच्छा फिर रहने दे। नहीं नहीं नहीं, मतलब मैं कर रहा हूँ ना सर, मैं कर रहा हूँ। थोड़ा साइड हो जाइए, इधर आओ। तुम इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? सर बहुत डेंजरस स्टेप्स हैं तो थोड़ा जगह दे दीजिए मुझे। सेंटर में खड़ा। हाँ सर मैं आ गया। 1 2 1 2 3 4। सीखे बॉस से तुम? कुछ सीखे, कुछ सीखे डांस वांस? मैंने सुना तुम कर रहे हो। कर लूंगा सर। क्या कर? थोड़ा अलग है लेकिन मैं ऐसा कर सकता हूँ। तेरे अंदर भी शायद की तरह ऐसी लड़की छुपी हुई है कोई? सर वैम्प, सर वैम्प। बड़ा लाइक दैट। आफ्टर द शो वी विल आई एम फ्री सर। क्या कह रहे सर? बड़ा कॉन्फिडेंस लग रहा है तेरे में। सुश तो चलो। 1 2 3 4। के दौरान सुशांत के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं दिया गया बल्कि पुंगे आया गया, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टेज पर। अरे क्या अलग अलग, तेरा ही तो गाना था, बजाया है तूने, ये डांस किया बेकार में। डांस होता है सर? इसको डांस नहीं आता सर, कोरियोग्राफर को बुलाते हैं। कोरियोग्राफर यहां पर आओ। लेडीज एंड जेंटलमैन, रेमो वन ऑफ द बेस्ट कोरियोग्राफर्स इन द कंट्री। यार इसको लेके जाओ और इसको 2-3 साल तक डांस सिखाओ। दो टेक हिम, टेक हिम अवे एंड 2 इयर्स डोंट लेट हिम कम बैक टू बॉलीवुड। और हर गलत स्टेप पे 1 साल बढ़ा। सो गाइस अभी अभी आपने एक वीडियो क्लिप देखा और इस वीडियो क्लिप का हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार था। और इस वीडियो क्लिप में आपने देखा होगा कि सुशांत सर का बार बार मजाक उड़ाया गया एक बड़ी स्टेज पे बड़े स्टार्स के हाथों। स्टार कौन थे मैं आपको बता दूं, शाहरुख खान एंड शाहिद कपूर, जो कि अपने आप को बॉलीवुड का खुदा समझते हैं। बॉलीवुड की नाली के कीड़े ये भूल गए हैं कि इन्हें अगर स्टार बनाया है तो हम जैसे दोस्तों ने, हम जैसी आम जनता ने, जो इनकी बार बार पिक्चर थिएटर में लगते ही देखने चले जाते हैं। लेकिन ये भूल गए हैं कि इन्हें अगर हम बना सकते हैं तो मिटा भी सकते हैं। और अब वक्त आ पहुंचा इन्हें मिटाने का। अगर ये बॉलीवुड में बने रहे तो याद रखना दोस्तों, आपके गली मोहल्ले से, आपके शहर से, आपके गांव से कोई भी बॉलीवुड में स्टार बनने की ख्वाहिश लेकर अगर जाता है तो उसका इसी तरह बार बार मजाक उड़ा जाएगा अगर ये कीड़े बॉलीवुड में रहे तो। कहने का मतलब सिर्फ मेरा इतना सा है मेरे दोस्तों कि जो अपने घमंड में ये भूल जाए, छोटे कलाकार को कलाकार ना समझे, उन्हें कलाकार कहलाने का खुद हक नहीं होता। और सच पूछो तो इनमें टैलेंट है कहाँ मेरे भाई? टैलेंट देखना है, देखिए ये वीडियो। हाय गाइस, 2 दिन पुराना स्टार्टअप है मेरा, ऑफिस बड़ा नहीं है लेकिन सपने बहुत बड़े हैं। साथ दोगे भाई? सैलरी? सैलरी नहीं दे पाऊंगा लेकिन हिस्सेदारी जरूर मिलेगी। बिजनेस अच्छा हुआ तो साथ में आसमान छुएंगे, नहीं तो साथ में डूबेंगे। पर एक बात जरूर कहूंगा, उड़ने में मजा बहुत आएगा यार। सो गाइस इस बात में कोई दोहरा नहीं है कि सुशांत सर में कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ था और कुछ कीड़े मकूड़े बॉलीवुड के ये पूरी तरह से समझ चुके थे कि अगर इस बॉलीवुड में रहा तो हमारी जगह खाली करनी पड़ेगी। बस यही कारण है कि बार बार हर बार सुशांत सर का मौका मिलते ही ये बड़े स्टारों ने मजाक उड़ाया। मजाक उड़ाने वाले जो नाम है मैं आपको बता दूं, आलिया भट्ट का नाम है, सोनम कपूर जी का नाम है, शाहिद कपूर का नाम है, शाहरुख खान का नाम है एंड सलमान खान जैसे वीर महायोद्धा जैसे मतलब धुरंधर जिनकी मुंह मतलब मैं गाली देना नहीं चाहता, बस आप लोग समझ लो कि मैं कितना कितना गुस्सा आ रहा है इन लोगों पर।
एंड एक महापुरुष का नाम मैं भूल गया था, करण जौहर जी। ठीक है, तो इन्होंने भी कहीं पर कसर नहीं छोड़ी, बड़ी बड़ी स्टेज पे इन्होंने भी अपनी औकात दिखाई है कि हाँ ये बड़े हैं और मतलब छोटे कलाकार को छोटा इन्हें महसूस दिलाने में कभी कसर नहीं छोड़ते। तो अब याद रखना, हिंदुस्तान की जनता जाग उठी है और इन्हें एक एक करके सभी, आपने देख लिया होगा सोशल मीडिया, मुझे ज़्यादा बारीकी से बताने की ज़रूरत नहीं है कि इनके जितने भी फैंस फॉलोइंग थी, एक एक करके सभी की फॉलोइंग बहुत ही कम हुई है इन 3-4 दिन में। और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, मेरे जो भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी जाकर अभी साले कुत्तों को अनफॉलो करें, क्योंकि ये फॉलो करने लायक है नहीं। इनको फॉलो करोगे तो तुम क्या कर लोगे लाइफ में यार। और अगर चाहते हो कि आपके गली मोहल्ले से, आपके शहर से, आपके गांव से कोई स्टार बने, बॉलीवुड में स्टार बने, तो इन लोगों को अनफॉलो करना ही पड़ेगा, इनको मजबूर करना पड़ेगा बॉलीवुड छोड़ने पर। इन्हें इनकी औकात दिलानी पड़ेगी कि तुम एक कीड़े मकोड़े हो जो कि हमारी दम से बने हो। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट बात और कहूँगा भाई, ज़िंदगी एक रेस है, आप सभी को बहुत अच्छे से पता है इसके बारे में। और इस रेस में पहले से बहुत सारे सीनियर्स मौजूद थे जिन महापुरुष के नाम मैं गिना चुका हूँ, और इस रेस में हमारे सुशांत सर ने जैसे ही कदम रखा तो इन्हें डिफीट दी बॉलीवुड के कुछ कीड़े मकोड़ों ने, और ज़िंदगी की रेस में सुशांत सर को हरा दिया। अगर आप लोग चाहते हैं जो सुशांत सर के साथ हो वैसा किसी और के साथ ना हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कानों तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए, ताकि वो भी बॉलीवुड के इन खड़ूस कुत्तों की औकात देख सकें। एक अच्छी बात यह भी है कि मेरी हर वीडियो गिवे वीडियो तो होती है, आप सभी को पता है। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी हर वीडियो में एक बनर उठाया जाता था, लेकिन इस वीडियो को शेयर करने वाले 2 बनर उठाए जाएंगे अगले वीडियो में, जिन्हें मेरी उसे अलग से पेटीएम कैश पे किया जाएगा। तो भाई बिजनेस बनने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, वीडियो को लाइक करना होता है, 4 से 2 रुपये भी शेयर करना होता है, और पेटीएम वाले नंबर के साथ एक अच्छा सा कमेंट करना होता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, और कमेंट करना अपने पेटीएम वाले नंबर के साथ। एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप यार लाइक करो अथवा ना करो, लेकिन शेयर जरूर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखकर जागरूक हो सकें और अभी उन साले कुत्तों को उनकी औकात दिखा सकें। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आर्किटेक्ट चैनल को तो अभी सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट वीडियो